हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बताऊंगा गूगल एल्गोरिदम के बारे में। अभी ये बहुत बड़ा टर्म्स है, तो इसमें अगर आपका आर्टिकल्स लिख रहे हो और रैंकिंग नहीं कर रहे, आप क्या करते हो? यूट्यूब वीडियो या आर्टिकल्स पढ़ते हो, तो उसमें एक एक बंदा एक एक टाइप का आपको बताएगा। तो इसमें क्या होता है, एक्चुअली किसी को 100% नहीं पता इसकी सर्च इंजन कैसे काम करता है। अगर पता होता है, किसी को बंदे को पता होता है, तो उसका हर आर्टिकल रैंक हो जाता है। ऐसे नहीं होता है। इसके मेन रीज़न क्या है, इसके जो कारण है क्यों रैंक नहीं होता है, इसके जो एसईओ के बारे में, A to Z के बारे में एक एक ही गूगल को ही पता है ये चीज़, और किसी को नहीं। तो हम आज ये देखेंगे गूगल को, जो सर्चिंग एल्गोरिदम है उसको हम जानेंगे कहाँ से, गूगल का जो सर्चिंग जो आर्टिकल्स पेज है वहाँ से। तो चलिए शुरू करते हैं, और इस वीडियो को आपको देखना जरूरी है शुरू से लास्ट तक अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हो तो। चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो आगे मैं डेस्कटॉप की स्क्रीन के ऊपर तो आप लोगों को बताऊंगा गूगल सर्च इंजन कैसे काम करते हैं, आपको क्या करना है, हाउ टू सर्च इंजन वर्क्स, ऐसे करके गूगल में फाइंड करना है और आपको आ जाएगा फर्स्ट पेज में गूगल का जो साइट है। तो इसमें हाउ टू सर्च वर्क google.com, सर्च हाउ टू सर्च वर्क कैसे सर्च करना है तो आ जाएगा, और आपको क्या करना है गूगल ट्रांसलेटर भी ओपन कर रखना है। तो जैसे ट्रांसलेटर ओपन करोगे, आपको जो भी लैंग्वेज से आप बिलोंग करते हो उसी लैंग्वेज में आप पढ़ोगे तो सबसे ज़्यादा बेस्ट समझोगे उस चीज़ को। अभी आपको मैं ओवरव्यू में दिखाता हूँ, इसमें कुछ कंटेंट दे रखे हैं, हाउ टू सर्च वर्क। तो इसमें जैसे आप कोई गूगल में सर्च करोगे ना, जैसे आप डॉग्स फीडिंग में, डॉग्स किसी रिलेटेड बा कोई मेक माने वेट लॉस के ऊपर कोई सर्चिंग कर रहे हो, तो उसी रिलेटेड जो वेबसाइट है पहले सर्च इंजन में आता है। ये नहीं जैसे मैंने सर्च कर लिया हेल्थ के बारे में, कोई और भी ब्लॉगिंग या टेक्निकल रिलेटेड वेबसाइट पहले सर्च इंजन में नहीं आता है। ठीक है, ये तो एक होता है चीज़। मतलब आपको डोमेन जो लेना है थोड़ा सोच समझ के लेना है, जो डोमेन आपका जो काम है, जो आपका जो निश है उसी हिसाब से थोड़ा रिलेटेड हो। अच्छा, दूसरे आपका जो आर्टिकल सब लिखते हो उसको हमेशा जैसे आप कंटेंट को लिखते हो वो सर्च इंजन में होना चाहिए, सबमिट होना चाहिए। ऐसा पब्लिश कर दिया लेकिन ऑलरेडी सर्च इंजन में नहीं है तो वो कभी नहीं दिखा देगा। ठीक, तीसरा क्या है, अगर आपको डाउट है इसके बारे में, जैसे आप मैं जो बोल रहा हूँ या सॉरी मैं जो यह बता रहा हूँ, अगर आपको इसको अपने लैंग्वेज में पढ़ना है तो यहाँ से कॉपी पेस्ट करके आपको क्या करना है, यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ क्या करना है मैं बता देता हूँ, यहाँ आपको हिंदी में आपको पढ़ लेना है, सबसे बेस्ट तरीका है। आपको जो इंग्लिश पूरा, आप जो नया ब्लॉगर हो अगर इंग्लिश में आप पूरा परफेक्ट नहीं हो तो आप हिंदी में कर लेना ट्रांसलेट। चलो ठीक है, तो और दूसरा है मैं दिखाता हूँ, इंस्टेंट मैचिंग यूज सर्चिंग। जैसे आप गूगल में कुछ सर्च करते हो ना तो आपको आर्टिकल्स में जो हेडलाइन होता है, जो आर्टिकल जो जो लिंक वगैरह होता है उसमें जो आपको मैचिंग होना चाहिए सर्च के, तभी वो गूगल उस चीज़ को दिखाता है। तो इसलिए आपको मैं बोलता हूँ कीवर्ड फाइंड जब करते हो ना गूगल में, सबसे बेस्ट कीवर्ड फाइंड होता है गूगल में। गूगल में एक बार सर्च किया करो, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़, जैसे गूगल में आप कोई भी चीज़ सर्च करोगे ना, तो जैसे वेट लॉस, अभी वेट लॉस में एक स्पेस अगर डालोगे तो बंदा ये सर्च कर ले, फॉरम्स, ब्लॉग्स, टिप्स, डाइट, मेडिसिन, एक्सरसाइज, ये सर्च कर रहा है बंदा, ये सर्च कर रहा है, तो समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो अभी पहले आप कीवर्ड जैसे रिसर्च करना कंप्लीट हो जाता है, फिर एक बार गूगल में उसको टाइप कर देखना बंदा क्या मांग रहा है। और सबसे बड़ी बात और एक, जैसे आप कोई चीज़ के बारे में सर्च करते हैं, मैं एक चीज़ और दिखा देता हूँ, हाउ टू लॉस वेट, ऐसे डाल देता हूँ मैं, आप जो भी डाल सकते हो। इसमें देखो पीपुल ऑल्सो आस्क, ये जो क्वेश्चन है पीपुल मतलब बंदा वेट लॉस के बारे में ये चीज़ और भी पूछ रहे हैं, तो इस सारे चीज़ को मैचिंग करके आप गूगल में जो सर्चिंग हो रहा है आपको पता लग सकता है इसके बारे में। सबसे बेस्ट होता है अगर कीवर्ड सर्च कर लिया उसके बोलो में इतना और ट्रैफिक इतना आता है, सिटी सीपीआर जो भी है उसमें है, बैकलिंक इतना, मेरे को इतना कीवर्ड लिखना है, इतना वर्ड का लिखना है, लेकिन एक बात आपको एक बार गूगल में देखना है बंदा एक्चुअली उस सवाल को सर्च कर रहा है, कितना कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये बात देखना है। ठीक, अभी दूसरे पॉइंट में आते हैं। अच्छा, आपका जो रिजल्ट हो, जो रिजल्ट होता है ना, जो एक्चुअली आपका जो रिजल्ट होता है वो सर्च इंजन जो बंदा के यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। ठीक है,
यूज़र फ्रेंडली होगा तो सबसे बेस्ट होता है। बंदे अगर जो सर्च कर रहे हैं, अगर उसको जो आप हेडलाइन में जो लिखा, अब मेटा डिस्क्रिप्शन जो नीचे में दिखता है वो बंदा तो पढ़ लिया, और मेटा उसको हेडलाइन अच्छा लगा, मेटा डिस्क्रिप्शन अच्छा लगा, फिर वो अंदर क्लिक करके अंदर जैसे गया, अंदर जाने के बाद उसको जो चीज़ ढूंढ रहे बंदा वो अगर नहीं मिला तो वो क्या करता है बंदा, ज़्यादा टाइम वेस्ट वहाँ नहीं देता है, फिर वो बाहर आ जाता है। तो गूगल को इसी से, गूगल कोई इंसान तो नहीं है, गूगल को पता चलता है, एक टाइमिंग होता है, जैसे उसको पढ़ने में मेरे को 10 मिनट का टाइम लगा और मैं 1 मिनट में बाहर आ गया, तो मतलब वो चीज़ मेरे को पसंद नहीं है, तो गूगल उसको रैंकिंग धीरे धीरे नीचे कर देता है। ठीक। अभी दूसरा चीज़ है रिलेवेंट वेब पेज। रिलेवेंट वेब पेज मैं थोड़ा पहले बताया, जो रिलेवेंट वेब पेज है जैसे सर्च इंजन, जैसे कोई चीज़ सर्च करते हो, अगर हेल्थ में बारे में तो रिलेटेड निश है तो पहले दिखाता है, जैसे ब्लॉगिंग के निश कोई डॉग रिलेटेड है और भी बहुत सारे रिलेटेड, उसी रिलेटेड को पहले दिखाता है। ठीक है। कंटेंट ऑफ क्वालिटी क्या चीज़ है, ये सारी चीज़ आपको अगर पढ़ना है ना तो आप एक काम करना, इसको ट्रांसलेटर में मैं दोबारा बता देता हूँ। कंटेंट ऑफ क्वालिटी मतलब क्वालिटी कंटेंट बोले तो कंटेंट बहुत लंबा चौड़ा 2000-5000 वर्ड का, आपको कोई एल्गोरिदम फ्रेश कंटेंट के बारे में, एल्गोरिदम के बारे में नेक्स्ट एक कोई वीडियो में बताऊंगा, उसमें बताया अगर आप कंटेंट को लिखते हो तो उस कंटेंट को आपको ऐसे होना चाहिए जो कंटेंट फ्रेश कंटेंट हो, जैसे बंदे को पढ़ने का इंटरेस्ट आए, उसको समझ आए, जो यूज़र फ्रेंडली हो, हमेशा यूज़र फ्रेंडली। आप अगर कोई भी चीज़ लिखते हो ना, बंदे को पूरा लास्ट तक परफेक्ट इन्फॉर्मेशन देना। अगर एक बंदे ने आर्टिकल लिखा 1000 वर्ड का, आपने 500 वर्ड का लिखा, लेकिन अगर आप 500 वर्ड आर्टिकल्स में पूरा इन्फॉर्मेशन दोगे तो गूगल उसको रैंक कराएगा ही कराएगा, कि बंदे को जो प्रॉब्लम उसको सोल्यूशन चाहिए। ठीक है, इतना दिखाना नहीं, मैं बड़ा झड़ा करके दिखाना नहीं, उसको सोल्यूशन चाहिए, तो क्वालिटी ऑफ कंटेंट चाहिए। अच्छा, तीसरे जो वेब पेज, जो जैसे वेब पेज क्या है, अगर मैं मोबाइल से सर्च कर रहा हूँ, मोबाइल से सर्च कर रहा हूँ तो मोबाइल में फटक से खोलना चाहिए, मतलब जो पेज स्पीड, मैं पेज इसकी स्पीड के बारे में आप लोगों को बताया, दो प्लगइन्स के बारे में बताया, अगर कमेंट करोगे मैं वो वीडियो दूसरा बार बना दूंगा। तो पेज स्पीड सबसे बड़ी बात है, आप जैसे आप ब्लॉगिंग शुरू करते हैं, बंदा पैसा खर्चा नहीं करता है, उसको थीम लगाता है, फ्री वाला होस्टिंग ले लेता है, होस्टिंग भी चलो ठीक है, एक वेबसाइट के लिए शेयर होस्टिंग ठीक है, लेकिन क्या करता है वो फ्री थीम लगा लेता है, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से मोबाइल और प्लगइन बहुत बतेरा लगा देता है, जिसकी वजह से क्या होता है उसका सर्च इंजन में जो स्पीड है कम हो जाता है, और जो मोबाइल में ठीक से नहीं खुलता, टैबलेट में ठीक से नहीं खुलता, डेस्कटॉप की स्पीड कम हो जाता है। ये में और भी एक चीज़ होता है गूगल जो रैंकिंग के बारे में, अगर आपने कंटेंट क्वालिटी ठीक लिख लिया और बंदे को उसको पसंद नहीं है वो बात नहीं है, अगर वो क्लिक मरे और घूमता रहे तो वो गूगल में रैंक नहीं होता। तो क्या है वेब पेज आपका, वो पेज जो हर सिस्टम में खुलना चाहिए ठीक से। ठीक। अभी कंटेंट सेटिंग में इसमें कुछ सेटिंग भी बारे में बताया, जैसे इसमें ज़्यादा तो नहीं है सेटिंग के बारे में, और चलो मैं और एक बार देख लाता हूँ इसमें ऑर्गेन सिस्टम। अच्छा, रोबोटिक सर्च कंसोल, ये सब साइट मैप वगैरह होना चाहिए, आपको वेबसाइट में साइट मैप होना चाहिए, गूगल तो कोई मशीन मतलब बंदा नहीं है, आपको साइट मैप के क्या होता है, साइट मैप में गूगल पूरा देख सकता है उस वेबसाइट को, साइट मैप होना चाहिए, रोबोटेक TXT जे वगैरह साइट मैप के लिए बनता है, सारी चीज़ होना चाहिए आपको वेबसाइट में। और सबसे बड़ी बात मैं एक बात बताऊंगा आप लोगों को, अगर आर्टिकल सब लिख रहे हो ना तो एक साल में 365 डेज होता है, ये मैं लास्ट एक टिप्स बता रहा हूँ, अगर आप रोज़ आर्टिकल लिख सकते हो, मैंने जो सिस्टम बताया इसी हिसाब से आर्टिकल्स रैंक करेगा ही करेगा, 100% रैंक करेगा। अगर अब आप आर्टिकल्स हफ्ते में भी एक डाल रहे हो या 2 हफ्ते में भी एक डाल रहे हो, अगर यूज़र फ्रेंडली होता है, अगर आप पूरे दिन में फुल टाइम ब्लॉगर हो, मैं तो पार्ट टाइम में नहीं कर पाता, तो क्या है अगर लिख सकते हो कोई भी छोटा चीज़, अगर आप 200 300 400 500 वर्ड का भी लिखा, यूज़र फ्रेंडली, उस बंदे को जो न्यूज़ देना था वो पहुँचाना, मतलब उस यूज़र फ्रेंडली हो तो रैंक करता है। और सबसे बड़े बात तो वेबसाइट का एज भी होना चाहिए, वेबसाइट कम से कम 1 साल 2 साल पुराना, तब से गूगल रैंकिंग रैंक होता है। एक चीज़ होता है कोई चीज़ कंटिन्यू करो रोज़ करो तभी जाके रैंक करता है, ऐसे नहीं रैंक करता, आप एक लिख दिया और हो गया, आप सोच रहे हो नहीं होगा, अगर हिंदी वेबसाइट है आपके लिए या कोई भी निश में काम करो, आपको कंटिन्यू आर्टिकल्स लिखना पड़ेगा। तो ये था मेरा एक इन्फॉर्मेशन गूगल एल्गोरिथम के बारे में, अगर आपको आपका लैंग्वेज में पढ़ना है तो गूगल ट्रांसलेट में जाके इस चीज़ को पढ़ लेना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।